जितना बचा रहे है मन ऑब्लिगेशन से उतना ही हल्का रहता है, इसलिए मैं नहीं आई। आप नहीं थे तो खालिद मियां क्या बहस करें वकील साहब। आप बस आदि साहब को दीजिए, दावत का सारा इंतजाम हम कर रहे हैं। किधर को तकलीफ हो रही है? अरे हर जगह भाई, एक जगह हो तो बताओ। अपना बिल हम आप पे करेंगे। देखिए मैं झूठा वकील जरूर, लेकिन झूठे बिल बनाने वाला हरगिज नहीं। आप साहब, नर्सिंग होम में कुछ बेड्स फ्री ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि सरकार जमीन सस्ते में देती है और बाहर से मंगवाए गए इक्विपमेंट पर ड्यूटी नहीं लगाती। आपका इलाज इस कैटेगरी में हुआ है। फिर आप शायर हैं, इसलिए गौर साहब ने कहा था कि आपको रूम में रखा जाए, लेकिन चार्जेस जनरल वार्ड्स के लिए जाए। ठीक, आप जल्दी ये पेमेंट करा दीजिए, मैं आपको छोड़ता हुआ जाऊंगा। हाँ, दो भी जाओ शोभा के साथ जाके। आप साथ चलते तो बेहतर होता ना? नहीं, आपका जाना ही ठीक रहेगा। आप ये भी पता कर लीजिए किसी ने वो पेमेंट कर तो नहीं दिया, या फिर पेमेंट बाकी तो नहीं है। अच्छा किया तुमने सुनाया, अच्छा किया, अच्छा लगा मुझे। आवेद साहब, यहां तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन एक जगह है जहां मैं उम्र भर जवाब नहीं दे पाऊंगा। सबजौरी साहब और उनकी साहबजादी सभा। आबिद साहब, कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं उनके साथ ऐसा करता जैसा मैंने किया, सिवाय अपनी उस मोहब्बत के जो मुझे बार बार यहां खींच लाती और ख्वार कराती है। आबिद साहब, जिस दिन मेरा उनसे सामना हो गया, मैं गूंगा हो जाऊंगा। और सिर्फ गूंगा ही नहीं, मैं बहरा होकर सिर्फ उन्हें देखता रहूंगा। इसीलिए मार्क्स ने मोहब्बत मोहब्बत को बुर्जुआई बीमारी कहा है, और शायरों ने दिमागी खलल समझा। लेकिन जो भी कहो, आपकी सभा के साथ बेवफाई, सभा के साथ मोहब्बत, मेरे लिए तो काम है। आपने मुझे दाखिल करवाया, मुझे छुड़वाया, मुझे कम से कम इस लायक तो बना दिया कि मैं वापस तेलंगाना जाकर अपना अधूरा काम पूरा करूं। मैंने और मेरी पार्टी वालों ने तो आपको माफ किया, कोई करे ना करे। हेलो, गॉड स्पीकिंग। आदाब, मैं जुबेदा, जुबेदा आबिद अली बोल रही। हाँ नमस्ते, कैसी हैं? आबिद साहब ठीक है ना? आपके करम से बिल्कुल ठीक है, अब तो उठने बैठने लगे हैं आपकी दुआ से। उन्हें घुमाइए फिराइए, कहिए बहुत चल लिए अकेले, अब आपके कंधे के सहारे चलें। फरमाइए कैसे याद किया। गौर साहब, आपको बहुत तकलीफ दी ना हम लोगों ने, एक छोटी तकलीफ और देना चाहते। कहिए कौन सी खूबसूरत तकलीफ उठानी है शायर साहब, और सुनाए बहुत अच्छा पढ़ने वाली बेगम के लिए। अच्छा तो शायर साहब लिखते हैं, उनकी बेगम बुरा पढ़ती है और बुरा पकाती भी। लेकिन एक दिन आइएगा और बुरा खाना खा के जाइएगा, और बुरा सुन के भी जाइएगा। अरे बात, क्या बात है, एक ही और पूछ पूछ। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या? मेरे को ना कोरोना को जल्दी हो रही, मैं तो जिक्र किए थे कि गौर साहब को दावत पे बुलाते, बोले फौरन जाके बोल के आओ ना। गौर साहब को दावत पे बुलाएंगे, कम से कम आंखों में आंखें डाल के बात तो कर सकेंगे, वरना जिंदगी भर उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकेंगे। अरे भाई क्या बात है, शायरों जरा सा कहते हैं लेकिन इतना कह जाते कि उम्र भर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूर कहिए कब इसी अखबार को तशरीफ लाइएगा ना। गौर साहब, एक छोटी तकलीफ और देनी थी, खालिद मियां है क्या दफ्तर में? उन्हें को भी दावत देनी थी। वो जरा देर से आते हैं। मैं बाहर से टेलीफोन कर रही, ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, मैं लौट के फिर से फोन करती ना उन्हें के। आप दोबारा जहमत क्यों उठाती हैं? आप आबिद साहब का ख्याल रखिए, मैं खालिद से कह दूंगा, वो मेरे साथ जरूर आएंगे। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। हमारे यहाँ नहीं, छोटे महल में तशरीफ लाइएगा तो। शमा बेगम के घर? हाँ, हमारा घर बहुत दूर पड़ता है आप लोगों के लिए। अगली बार वहीं बुलाइएगा, देख के पहुँचते हैं कि नहीं। आवे साहब को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ, खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कम आओ बैठो। जरा सा देर से आए। आबिद साहब काफी ठीक है और इस खुशी में एक दावत रखिए, मुझे और तुम्हें दोनों को बुलाया है। चलेंगे सर, जरूर चलेंगे, बहुत मजा आएगा। आबिद साहब क्या मजे की बातें करते हैं, अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कब क्या कहेंगे और किस अंदाज में कहेंगे। शेर तो लाजवाब पढ़ते हैं। मैंने भी उन्हें सुना है एक दो मुशायरों में, उन्हें नहीं जानता था उससे पहले। तभी लगा था कि आदमी आदमी और दुनिया के बारे में अलग ही नजरिया रखता है। तो सर खाना खाने के बाद शेर व शायरी की महफिल भी जमाएंगे, किस दिन है दावत? इतवार को। यहीं आ जाना, साथ में चलेंगे। सर मैं सीधा वहां पहुंच जाऊंगा, उनका घर मेरे घर से ज्यादा पास है। ठीक है। सुनो, लेकिन दावत उनके घर पर नहीं है। तो कहां है? छोटे महल में, शमा बेगम के घर। यस, हाँ मैं निकल रहा हूं, गाड़ी लगवाओ। ओके सर, ये इनविटेशन किसने दिया था? शमा बेगम? नहीं नहीं, मिसेज आबिद अली ने। छोटा महल तो पता है ना तुम्हें? हाँ, दो बार देखा है। निकलना खुल से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरी महफिल से। कराई? हाँ। दोनों को फोन किया? गौर साहब से बात की मैं, खालिद में अभी दफ्तर नक्को आए थे। गौर साहब बोले उनको बोलकर दावत में साथ लेकर आएंगे। जुबैदा, जब किसी को बुलाया जाता है खासकर खाने पर, तो दूसरों के हाथ दावतनामा नहीं दिया जाता है, दावतनामा खुद देते हैं। तुम इंतजार करती हैं, थोड़ी देर बाद फोन कर लेती हैं। गौर साहब बोले खालिद मियां का कुछ पता नको, कब तक इंतजार करती ना हुआ। गौर साहब बोले तकलीफ नको करें, मैं उनको कह दूंगा। बाबा इंतजार करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि जिसके लिए तकलीफ उठाते हैं उसे याद रहता है कि मेरे लिए तकलीफ उठाई गई है। अभी जाना थोड़ी देर बाद, और जब तक तुम्हारी खुद बात ना हो जाए यकीन मत करना कि वो आएगा जिसे तुम बुला रही हो। और सुनो, जिस तरह औरों को दावतनामा दिया जा रहा है वैसे ही खालिद को भी दिया जाए, और शमा जब दूसरों को फोन कर रही है खालिद को भी फोन करे खुद। मैं टेलीफोन करके आती ना। सुनो। बोलो तो। बैठी रहो। काय को? अरे बाबा पसीना आ रहा है, पसीना सुखा लो, उसके बाद चली जा रहा। यार मैं क्या करूं, मैं दावतनामा मंजूर कर चुका हूं लेकिन उस घर में नहीं जा सकता। तो किसने कहा था मंजूर करने के लिए? यार कैसे न करता, आबिद साहब ने बुलाया है, उनकी बेगम ने गौर साहब से कहा है, और मुझे खुद कहने के लिए तीन तीन बार फोन किया है मार्केट जा जाकर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं उस घर में नहीं जा सकता जहां दावत है। कहां? छोटे महल में। यानी शमा के घर में? हाँ, मैं उस घर में यूं नहीं जा सकता। यूं नहीं? उसने सबको फोन किया है याद दिलाने के लिए, मुझे नहीं किया। गौर साहब को किया था? हाँ, गौर साहब नहीं थे तो उनके पीए से कहा है कि उन्हें याद दिला दीजिए कि दावत है, और फोन रख दिया। तुझे नहीं किया? नहीं। तूने उसके बहनोई के लिए इतना क्यों किया? क्या उसने कहा था? आबिद साहब ने मेरे लिए इतना किया है कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। हाँ तो चला जाना, दावत तो उन्हीं की है ना। चला जाता अगर दावत उनके घर में होती, दावत शमा के घर में, और उसने याद नहीं कराया। तो क्या हर्ज है भाई, जिस घर में मैं एक बार और तू दो बार जलील होके आया है, उसमें तीसरी बार होने में क्या हर्ज है? उसने नर्सिंग होम में तुझे चाय दी, तूने पी ली, उसके बहनोई ने कहा तू उसे कॉलेज छोड़ा, अब क्या हो गया? उसने तीसरी बार इंसल्ट की है,
अब उस घर नहीं जा सकता। तो ठीक है, सब्जवारी और सबाग यहाँ चला जा। हाँ चला जाऊंगा। क्या? हाँ तो चला जाना जहाँ इज्जत और मोहब्बत की बाहें खुली हैं। उस राह पर क्यों जाता जहाँ कहना पड़े हम भी बने दी राह। शायर इकबाल बन जिसने कहा कि हम इतने खुददार आदमी हैं कि मक्का से भी लौट आए अगर हम देखें कि हमारे लिए काबे के दरवाजे बंद हैं। आबिद साहब घर में हैं? जी अंदर तशरीफ रखते हैं। ये खालिद साहब ने चिट्ठी भेजी है उन्हें दे दीजिए। जी मैं दे दूंगी। अल्लाह हाफिज़। भाईजान, भाईजान आपके लिए कोई लेकर गए हैं। मेरे लिए? जी। राधिका नाम लिया था। इधर आपके वास्ते कौन चिट्ठी देके गया था? क्या पता? खालिद की है। क्या बोले तो? वो आ नहीं पाएंगे। काय को? लिखा है माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है और माफी मांगी। अचानक अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई? शमल तुम कल टेलीफोन करके बात किए थे ना? फोन किया था तो गॉड साहब नहीं थे। पीए ने कहा कि वो जरूर आएंगे। अल्लाह, खुद खालिद मियां से बात नहीं किए? मैंने सोचा वो भी नहीं होंगे और गॉड साहब आ रहे हैं तो उनके साथ आ जाएगा। चलो चलो कोई बात नहीं, बाकी तो आ रहे हैं ना, उनको बाद में बुला लिया जाएगा। बाकायदा दावत लगा देगा। आप लोग तैयार हैं? लोग आने वाले होंगे। शमा बेटा छल्ला तो मुझे मिला नहीं है, ये काला धागा बांधी है, दिखेगा भी नहीं। ले पहने नहीं अम्मी, दिखता है। आप रख दीजिए अंदर, मैं कुछ और पहन लूंगी। अरे और क्या पहनेगी, देखो पीछे से नहीं दिखने वाला। ले पहनो। दिखता है अम्मी, मैं जानती हूँ। आपने मुझे कल बुलाया था लेकिन मैं आ नहीं सका, आज मुबारकबाद देने आया। आपकी अम्मी कैसी हैं? ठीक हैं, वो बीमार नहीं थी। मैं आबिद मियां से मिल सकता हूँ? आइए। तो आबिद मियां। आदाब। आदाब। ये लीजिए। एक बार इस घर से और दो बार छोटे महल से निकाला गया, आज आपने बुला लिया तो मैं यहाँ आ गया। बेगम शमा ने नहीं बुलाया था इसलिए मैं छोटे महल नहीं गया। दावत तो उनकी सेहत की खुशी में थी ना, हमारी तरफ से थी। मगर उनके घर, लेकिन उन्होंने ना दावत दी ना याद दिलाया, जबकि और को याद दिलाया। और फिर मैं आपकी बहन की खुशी को नहीं खत्म करना चाहता था, मैं आ जाता तो उनकी खुशी खत्म हो जाती, और फिर उनका ऐसा करना जायज भी है। मुझे क्या देख रही हो? मेरे सेहत की खुशी कायदे से दावत क्या होना चाहिए? तुमने वहां रख दी? मैं तो इधर ही रखी हूँ। शमा ने जोर दिया कि उसकी यहाँ करें, तो वो नहीं चाहती थी कि किसी लोगों को कुछ तकलीफ हो। मैंने भी उन्हीं की तकलीफ का लिहाज किया। मैं अगर वहां आ जाता तो वो मेहमानों के साथ खुलकर न बात कर सकती थी न खुलकर हंस सकती थी। एक अनचाहा आदमी आ जाए तो आदमी की हंसी बंद हो जाती। आप गलत कह रहे हैं खालिद साहब, आप गलत कह रहे हैं। आपको दोबारा फोन न को कर सके इस बात के लिए वो बहुत शर्मिंदा है। आबिद साहब पूछे तो वो बोली ना, लेकिन आप अनचाहे आदमी नको हैं। मेहमानों की गिनती में आपका नाम था, शमा खुद लिखी ना गौर साहब के नाम के साथ। इतने चाव के साथ ही दावत रखी उसने, बोली इतने बड़े मेहमान आ रहे, बड़ी दावत होनी चाहिए। सारा चाव ठंडा हो गया जब आपकी चिट्ठी मिली। तो कहने के नाम पे एक गुलबंद पहनना चाह रही थी, वो भी नक्को पहना, ये सोचकर कि उसकी गलती की वजह से एक मेहमान रूठ गए। वही मेरे सामने हुआ इसका तो मैं गवाह, लेकिन छलकी आंख, बीती रात और फटा हुआ दूध,
इसको भूलना मैं। खालिद मियां का मुंह कड़वाए मीठा करवाओ। वो फिरी न लाना जो वहां बनी थी, मिठाई लाना जो हम खरीद के लाए। मैंने ये तो नहीं कहा, आप फिर नहीं लाइए मिठाई नहीं। तौबा, एक बार गलती करी दोबारा न को करूंगी खालिद साहब। दावत रखूंगी, अपने इसी घर में रखूंगी, खुद खाना पकाकर आपको खिलाऊंगी तो, और किसी दूसरे को नक्को बुलाऊंगी। लक्ष्मण रेखा खींचने में दोनों बहनें एक जैसी माहिर हैं। एक ने छोटे महल आने से रोक दिया और एक कह रही है दावत तो दूंगी लेकिन और किसी को नहीं बुलाऊंगी। भाई हमें तो शामिल कर लो। मैं लाती हूं। जा बेटा ये रख दो। कहाँ खो गए खालिद मियां? मंजिल इश्क यूं ही तय हुई, कभी उठाए गए कभी बुलाए गए। क्या मुंह तक रहे हो? ढंग से बुलाया नहीं गया इसलिए नहीं गए? ढंग से बुलाए जाना चाहते थे? कैसे, किस मुंह से? जिस मुंह से पाशा और उसके बेटे को हरामी कहा? शट अप! किसे कह रहे हो? मैंने तो नहीं कहा, मैं तो दोहरा रहा हूं जो तुमने कहा। लेकिन तुम क्या समझते हो कि जो तुमने शमा के साथ किया उसके बावजूद तुम्हें उस ढंग से बुलाया जाता जिस ढंग से गौर साहब को बुलाया गया? गौड़ साहब ने तो केस लड़ा था। क्यों, मुंह लटक गया? जब पता चला कि दावत में तुम्हारा इंतजार था, तुम्हारा नाम शमा ने तजवीज किया था और तुमने चिट्ठी लिख भेजी थी कि मैं नहीं आ रहा। अब क्या देखो, उसने तो अपनी अम्मी से कहा था कि गुलबंद का छल्ला ठीक कर दो आज पहनूंगी, और नहीं पहना। पहनने का ख्याल छोड़ दिया जब तुम नहीं आए। और क्या छोड़ती, दुनिया छोड़ देती? तुम्हारा यही हाल है, कभी गुनहगार बनकर फर्श पर बिछ जाओगे और माफी मांगोगे, और कभी ऐसे खुददार बनने की कोशिश करोगे कि बुलाने पर भी नहीं जाओगे जहां तुम्हारे लिए जड़ाऊ गुलबंद पहने कोई होता और तुम्हें देखते ही चेहरा दमकता और वो आगे बढ़कर कहता, आइए आइए तशरीफ रखिए, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नसीब के खोटे हो, तकदीर के फूटे हो, और जो पांसा फेंकोगे ठीक नहीं पड़ेगा। जी जुर्म किया जो मैंने कहा मुझको।